नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन रेलवे पर बात करेंगे। इन्होंने जो फ्राइट से रेवेन्यू में 9% का जो ग्रोथ शो किया है, Q2 का एनालिसिस हम करेंगे। और बेसिकली इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको इससे ये समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से आंकड़ों में हेरा फेरी होती है, किस तरीके से जो आंकड़े नहीं है उनको दिखाया जाता है। अगर पहले ही आपका रेवेन्यू कम हो, उसमें आपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया हो, तो आप उसे 10% का हाइक करके शो कर सकते हैं। तो चीजों को किस तरीके से, जैसे बैकडेट में डाटा, GDP का ही रिवाइज जाता है, तो आप ये देखें कि किस तरीके से आंकड़ों के लिहाज से एक फील गुड फैक्टर देने की कोशिश होती है अर्थव्यवस्था के अंदर। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यह होता है। चाइना का आंकड़ा तो कभी आता नहीं है सामने। तो बेसिकली आपको इससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो आंकड़े आते हैं, इतने प्रॉमिसिंग आंकड़े आते हैं, पिछले 30 साल से जो आ रहे थे UPA के दौरान, उससे पहले वाजपेयी जी के शाइनिंग इंडिया के दौरान आइडियाज आ रहे थे, उससे पहले नरसिम्हा राव जी के आइडियाज से, तो बेसिकली आंकड़ों में तो हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ पहुंच गया था, तो चांद पे था। तो लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों में हेरा फेरी हुई है, ये जब सीरीज खत्म होगी, जब Q2 के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, आपको एक बहुत साउंड फुटिंग मिल जाएगी कि हमने कितना ग्रो किया, हमने कितना उसको इम्प्रूवाइज किया अपने में, और हमने कितना आम आदमी को फायदा पहुंचाया, कितने लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, ये सब आंकड़ों में हुआ। तो इसको आपको काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगी, अर्थव्यवस्था की बारीकियां समझ में आ जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली यही है इसमें कि सबसे पहले जो है कि रेलवे की तरफ से ये कहा गया है, रेलवे के हम इसमें ये भी बताएंगे जो उनके चेयरमैन हैं, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं VK यादव जी, उनका क्या सोचना है, स्ट्रेटेजी क्या है रेलवे की, और उन सारी स्ट्रेटेजी के मद्देनजर रेलवे किस तरीके से अपने को PPP मोड में डाल के नेशनल रेल प्लान जो 2030 का है उसमें PPP मोड में ऑलरेडी चला गया है। स्टेशन हों, रेल्स हों, प्राइवेट मालगाड़ियां हों, पहले अडानी जी के पास 6 हैं, तो देखा जाए कि इस तरीके से हमारा मॉडल जाने वाला है। रोजगार से संबंधित है, रेलवे और बैंक्स अच्छे रोजगार थे, युवा इसमें लगा रहता था, लेकिन आने वाले वक्त में किस दिशा में ये पॉलिसी जाएगी, इसको समझने में आपको हेल्प होगी इन आंकड़ों के लिहाज से। और अब इसमें चार्ट भी बनाएंगे, ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो है भारतीय रेलवेज ने ये कहा है कि उन्होंने अपनी ग्रोथ को, डिक्लाइन को रादर अरेस्ट किया है, उसको रोका है, उसकी रोकथाम की है फ्राइट ट्रैफिक के अंदर 9% से। जो हाफ ईयर पीरियड का जो हमारा Q2 का जो रिजल्ट्स है उसमें इन्होंने जो सितंबर में एंड हुए हैं, इसमें जो है कि 533 मिलियन टन्स का इन्होंने एक तरीके से इम्प्रोवाइजेशन किया है। तो अगर हम अप्रैल से जून का क्वार्टर देखें जिसमें कि GDP कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, पूरी दुनिया जानती है उस बात को, उसके लेके रेटिंग्स रिवाइज हो रही हैं, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक के हों, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की हों, गोल्डमैन सैक्स की हों, सभी बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन हमारा मैसिव होने वाला है, डबल डिजिट में जाने वाला है। काफी लोगों ने उसे सिंगल डिजिट में भी कहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन तो बहरहाल होना ही होना है। तो उसके मद्देनजर जो अप्रैल से जून का क्वार्टर था उसमें जो था 241 फ्लाइट वॉल्यूम था, जो एक वॉशआउट हो गया था एक तरीके से रेलवेज का, और जाहिर सी वजह है लॉकडाउन था। और उसमें रजिस्टर जो कितना क्या था, अगर हम उसको आंकड़ों के लिहाज से कहें तो 21% का जो था उसमें डिक्लाइन आया था। तो जिस तरीके से वो मैसिव डिक्लाइन था, उसके बाद जो फ्राइट की अर्निंग्स थी उस पे इसका बहुत फर्क पड़ा था, और जो फ्राइट की अर्निंग्स थी इन्होंने इसमें 17% का एक तरीके से डिक्लाइन शो किया था, हुआ था उनको तो 50,168 करोड़ का एक तरीके से ये नीचे अर्निंग्स आई थी। तो ये Q1 या H1 के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, पहले हाफ के 50,168 करोड़। और इसके बाद जो है कि ये डिस्पाइट, ये तब है जब 31% जो है फॉल हुआ था आपका, यानी कि 31% आप लगाइए तो 22,266 करोड़ जो था वो अप्रैल से जून पीरियड के बीच में हुआ था। तो ये मैसिव फिगर्स हैं। इसके बाद अगर हम सितंबर की बात करें, सितंबर के अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो रेलवे ने किस तरीके से हैंडल किया, 102 मिलियन टन का फ्राइट हुआ, और ये 15% जो है ये राइज किया गया, जो पिछले सितंबर 2019 के सितंबर से आप इसको मेजर करेंगे तो ये 15% का राइज शो हुआ है। तो यानी आप देख सकते हैं कि हमने आंकड़ों में ही बहुत जबरदस्त तरक्की की है। और इसके बाद जो रेवेन्यू है फ्लाइट ऑपरेशंस का, सितंबर के महीने के अंदर ये जो इंक्रीज हुआ था ये 14% करीब बढ़ा है, यानी 9,903 करोड़ के करीब हुआ है। तो इसको हम कंपेयर कर, अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले साल में, तो करीब करीब 9,903 करोड़ का इजाफा हुआ है एक महीने के अंदर अगर हम इसको करें। लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर लेंगे तो एक नई फिर सामने आती है। बहरहाल चलिए, मैं जिसको कहते हैं ख्याल अच्छा है, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो इसके बाद जो है कि
अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें तो इनका कहना यह है, इनके जो स्ट्रेटेजी है जिसको बहुत मद्देनजर देखा जा रहा है, नेशनल जो रेल प्लान है 2030 का, तो ये क्या कर रहे हैं कि स्टेप्स ले रहे हैं, अग्रेसिव स्टेप्स ले रहे हैं ताकि इससे फ्राइट से इम्प्रूव हो जाए और पैसेंजर डिमांड बढ़ जाए। फ्राइट जो होता है माल भाड़ा बेसिकली होता है ये, तो पैसेंजर डिमांड में ही बढ़ोतरी होने वाली है आप उम्मीद करें, और ये हकीकत में आ जाएगा जैसे ही पीपीपी मोड में गए स्टेशन, और वो ऑलरेडी चले गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो एग्रेसिव प्राइसिंग होगी, जो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग होगी, जो डेरिवेटिव प्राइसिंग होगी रादर, उसके हिसाब से एयरलाइंस के टिकट के हिसाब से, अपनी डेट्स के हिसाब से, अपने जो आपका जो फ्लक्चुएट करेगा प्राइस बैंड, आप उसके लिए तैयार रहें। जिस तरीके से कॉरपोरेट अपने रेवेन्यूज को जनरेट करता है, हर चीज के पैसे ले लेंगे, एक्स्ट्रा लगेज के पैसे ले लेंगे आपसे, टेलीफोन के स्टेशन पे खड़े होने के पैसे ले लेंगे आपसे, ट्रेन के इंतजार में, और कैंसिलेशन में आपको देंगे नहीं तब सुप्रीम कोर्ट को बुलाना पड़ेगा, जैसे कि अभी एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो ट्रेन और पैसेंजर डिमांड को बढ़ाएंगे, और इसमें मेनी नॉन टैरिफ और टैरिफ मेजर्स की तरफ भी इनकी तवज्जो रहेगी, और जैसे कुछ कमोडिटीज हैं उनको ये डिस्काउंट भी देंगे एक तरीके से, किसानों को एक तरीके से उसमें घोषणा करेंगे, मिलेगा कितना ये रब जाने। इसके बाद जो है कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चलिए उसको आंकड़ों में देखते हैं। इसके बाद जो उनका ये कहना है, वीके यादव जी का, उन्होंने ये कहा है कि जो मेजर्स हैं ये इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को, रेवेन्यू पर नेट टन किलोमीटर के, बेसिकली ये जो मेजर किया जाता है ये पर नेट किलोमीटर के हिसाब से किया जाता है। अगर आप लालू जी के हिसाब से ट्रेन को देखें पुराने जब उसमें चले जाए यूपीए के पहले में, तो उन्होंने कहा था कि एक काफी वो स्पीच भी बड़ी कॉमिकल स्पीच है, लेकिन उसमें क्या है कि आई प्लांटेड अ फ्रूट ट्री और सब कह रहे हैं, इस तरह की बातें थी, लेकिन उन्होंने बिना पैसेंजर को बढ़ाया उन्होंने फ्राइट बढ़ा दिया था, फ्राइट को वॉल्यूम ज्यादा हो गया था, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया था तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो वो जो था एक तरीके का, उसमें फिर रेल म्यूजियम के अंदर वो लेक्चर देते थे हार्वर्ड से कैम्ब्रिज से, तो उस समय मॉडल ये निकला था कि किस तरीके से एक पब्लिक सेक्टर, वो भी रेलवे जैसा सेक्टर, प्रॉफिट में कैसे जा सकता है, 20,000 करोड़ रुपए का महीने साल भर में कैसे कमा सकता है, तो उसके लिए वो काफी लेक्चर वगैरह देते थे, तो उस मॉडल को तो आप भूल ही जाएं। तो अब ये नया मॉडल जो है ये पीपीपी का मॉडल है, इसके बाद क्या होगा, तो पैसेंजर फ्लाइट उन्होंने नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब तो जिसको करेंगे ना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ेंगे फ्लाइट, जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री के बढ़ते हैं। तो इसमें जो मेजर्स हैं ये किस तरीके से वॉल्यूम करेंगे, तो पर किलोमीटर के हिसाब से इसमें डिप ना आए, और जिस तरीके से इनमें यादव जी का काफी प्रयास रहेगा इसमें, तो इसमें रेलवे जो है कि नेशनल रेल प्लान जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं, चलिए हम आंकड़ों में भी देखेंगे, 2030 की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से टोटल ट्रैफिक जो होगा 2024 मेट्रिक टन हो जाएगा ये 2024 तक, ऐसा करने की रेलवे ने बड़ी कोशिशें की हैं, स्ट्रेटेजी बनाई है, देखते कितनी साबित होती है, सच हो जाए तो अच्छा है। और 2030 तक ये है कि 3,232 मेट्रिक टन, यानी 2024 तक, और 3,200 मेट्रिक टन ये करेंगे 2030 तक, यानी आप डिफरेंस देख लीजिए 6 साल में कितना करेंगे ये लोग फ्राइट के। और बेसिकली इसका साफ मतलब है कि काफी कुछ प्राइवेट जाने वाला है, अगर ये सब्सटेंशियल अगर डबल नहीं जा रहे हैं तो 6 साल का पीरियड बहुत होता है, लेकिन ये फिलहाल आंकड़े हैं। तो जिस तरीके जो शेयर है एक तरीके से, जैसे मसलन एग्जांपल के लिए केस स्टडी ले लीजिए आप, कि जैसे कोल का है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1,400 मिलियन टन होगा, तो लेकिन इन्होंने जो दो कमोडिटी में इसमें ग्रोथ शो किया था, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दो कमोडिटीज जो है इन्होंने एक तरीके से ग्रोथ शो की है फर्स्ट हाफ के अंदर, और वो दो कमोडिटीज उसमें गैस नहीं है, प्राइजेस नहीं है गैस करने के, एक तो फूड ग्रेन्स है और दूसरा केमिकल मैजिक। किसानों ने लॉकडाउन के अंदर पूरे भारत को खिलाया, किसानों की अलग समस्याओं से मैंने वीडियोस बनाया प्लीज देखें, तो उसमें फूड ग्रेन्स एक कमोडिटी है, दूसरी कमोडिटी केमिकल मैजिक्स, इन दो कमोडिटीज ने ग्रोथ शो की है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए सेकंड क्वार्टर में। तो जो ये 9% दिखा रहा है इसका काफी कुछ हिस्सा जो है आपका इसमें देखिए, जैसे ट्रेंड लाइन है रेवेन्यू का, ट्रेंड लाइन है -16 चला गया था और उसके बाद ये 13.61 के करीब आया है, तो ये आंकड़ों से काफी कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये इसमें इकोनॉमिक मॉडल्स बन सकता है, वो हम जब यूपीएससी मेंस के लिए करेंगे तब मैं बिल्कुल बनाऊंगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है जो फूड ग्रेन्स थे इन्होंने जो अपने में राइज देखा है वो 87% का राइज देखा है लोडिंग के अंदर, और केमिकल मैन्यूर्स जो हैं एक तरीके से जो केमिकल मैन्यूर्स हैं उन्होंने जो इंक्रीज देखा है वो 9% का देखा है। कोल जो था कोल ने डिप किया है, मैंने कोल पे भी एक फीचर अभी पोस्ट की है, आप प्लीज उसमें भी देखें किस तरीके से सीआईएल ने, कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी ने जिस तरीके से ग्रोथ शो किया है, 32% करीब ग्रोथ शो किया है, लेकिन कोल जो था यहाँ पर रेलवे में इसमें डिप देखा गया है 18% का, यानी कोल जो है अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे कि कोल इंडिया ने कहा था कि उसने जो है कि वो काफी ज्यादा सेक्टर्स में गया, यानी कि बाहर रोड जा रहा है वो, तो इसमें देख लीजिए कि किधर से पैसा किधर का किधर जा रहा है, पैसा उतना ही है लेकिन प्राइवेट के पास थोड़ा ज्यादा जा रहा है। तो रेलवे ने हैंडल करना है 2,034.31 मिलियन टन अप्रैल से सितंबर तक, और इसके अगेंस्ट जो है 285.22 मेट्रिक टन जो था ये
उसमें जो था ये आपका 1 साल पहले था, तो एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट है चलिए, लेकिन फिर भी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और इसके बाद रेलवे की हालत में दुआ कर सकते हैं हम। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, नमस्कार दोस्तों।